जनपद मुजफ्फरनगर के पटेल नगर स्थित आदर्श रामलीला सेवा समिति द्वारा एक महीने से लगातार रामलीला मंचन किया जा रहा था। दशहरे के दिन भगवान श्री राम और लंकापति रावण का घनघोर युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी ने रावण को नाभि में तीर मारकर मोक्ष की प्राप्ति दी। दशहरे के अवसर पर पटेल नगर मंडी में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला दहन, मुख्य अतिथि मीनू पेपर मिल मालिक मनीष कपूर, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान, उद्योगपति भीमसेव कंसल और अन्य जनप्रतिनिधियों के हाथों से रावण दहन हुआ। रामलीला आयोजक नगर पालिका सभासद विकल्प जैन ने कहा कि हजारों की भीड़ दशहरे के दिन आज रावण दहन की साक्षी बनी, जहां हर तरह की सुविधा कमेटी द्वारा कराई गई थी, जिससे भीड़ में किसी भी तरह के असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत ना कर पाए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्य अतिथि मनीष कपूर ने कहा कि आज दशहरे के दिन भगवान राम के हाथों बुराई का अंत हुआ है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाई विजय वेगंता जी, संसद प्रकाश अग्रवाल जी, भूमि मित्र डॉक्टर अनुप मित्र, निपुण मित्र, आप हाई स्कूल या इंटर में मार्क्स अच्छे लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। मैं स्वयं कॉलेज चलाता हूँ, मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे 98-99% मार्क्स लाते हैं, लेकिन कंपटीशन के दिन वो क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है, इसमें आप लोग अभिमान नहीं करना चाहिए ने कहा। और मेरा सब यहाँ अपने बंधु सभी समाज के हमारे जो है सभी संगठन सबके लोग बैठे हैं, अभी कहा 6 करोड़ रुपये इस भवन में लग गए। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि हम अपने समाज के जो गरीब जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके लिए एक ऐसा कोर्स बनाए जो उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करे, उसमें मैं भी सहयोग करूंगा। जो बच्चों की हमारे समाज की लड़कियों की शादियां पैसे के अभाव में अच्छी जगह नहीं हो पाती उनके लिए कोर्स बनाए, उसमें सहयोग करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस तरह के हम लोग, क्योंकि हमारा मुजफ्फरनगर वेस्ट समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत संपन्न लोग यहाँ रहते हैं, पैसे की कोई कम, 6 करोड़ रुपए लगभग हमने भवन में लगा दिए। तो बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे बच्चे हैं जो इलाज जिनके इलाज भी नहीं होता, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, शादी नहीं होती। हम लोग आगे बढ़कर उसमें सब लोग सहयोग करें और इस तरह के कार्यक्रम तो आयोजित होते ही हैं, एक ऐसा कोर्स बनाए उसमें, क्योंकि हम लोग सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक ना हो जिसपे आक्षेप करने से लगे वो आगे बढ़े, हम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। जो भी हमारे लायक होगा हम स्वयं अपने दोस्तों के पास मेरे सिले पे गोली चला के इतने आदमी हैं ऐसे, हमारे जितने भी लीडर हुए उनका प्रस्ताव है यही रहा, सिर्फ 7-8 लोगों ने भवन देखा है और उन्होंने देखा भी नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की, मैंने योगेश भगत जी जो हमारे संयोजक है, राकेश कंसल जी और ये नहीं सत्य पर प्रकाश अग्रवाल कहा इस भवन के, वो ये बैठ रहे हैं, ये पगड़ी हमने इनको बनाई आज जिससे कि दर्विदंगा हो गई है, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस भवन के अंदर इधर सब पुणे आप सबको रामनवमी की और कलशेन प्रेम की बहुत बहुत बधाई। जय भाई जी, अध्यक्ष जी किस तरह का आज कार्यक्रम? मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है, मैं व्यास सभा जनपद